शुरू दिन से लॉकडाउन के खिलाफ था पाकिस्तान को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुस्तकबिल के अज़ायम बता दिए। कहा अमरीकी सदर भी अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। सिंध ने एकदम कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन किया जिससे दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर हुआ। गरीब बस्तियों के अंदर हालात मजीद बिगड़ने वाले हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इस वक्त फ्रंट लाइन पर है। एहसास प्रोग्राम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं। 12,000 रुपए तस्दीक के बाद दिए जाते हैं। माजी में LNG और गैस के महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए। बिजली की कीमतें नीचे आ गई तो महंगाई कम हो जाएगी। पहले तो इस तरह का कभी भी पाकिस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं है जो कि आज है। जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसके अभी असरात आएंगे क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं। उनका जो खर्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उनके पैसे बचाए हुए थे वो खर्च हो रहे हैं। इनका जो एहसास प्रोग्राम है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हो जिसमें बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उसमें सिर्फ ऑटोमेशन है, डेटा बेस के ऊपर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इस तरह ट्रांसपेरेंटली, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम जिधर जिससे हमें पता चला कि आउटब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। ये असल में अब मगरब के अंदर भी शुरू हो गया है। मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से रात बात हुई, अब उनके पास आप वसाइल देख लें, वो अपनी इकोनॉमी, उसको डर है कि इकोनॉमी ना कोलैप्स कर जाए, तो वो भी अब हालांकि वहाँ अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं, दिन में 2,000 लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद वो अब सोच रहे हैं कि पार्सल खोलने का, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है कि अगर आप बंद कर देंगे मुल्क को तो वो आप कभी भी सारे मुल्क की मदद नहीं कर सकते। सो ये है कि इंटरिम पीरियड में जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं ये तादाद लोगों की, मुस्तक लोगों की बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए ये पैसे कट रहे हैं। एकदम सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो बिल्कुल ही एक वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लोगों को कर्फ्यू टाइप सिचुएशन। उनको देख के क्योंकि मीडिया में पजीराई मिली, 18th अमेंडमेंट के पास सूबों के पास इख्तियार है, वो उन्होंने अपने फैसले करने हैं। पंजाब ने भी फॉलो किया, केपी ने भी फॉलो किया बलूचिस्तान में, लेकिन कम थे उनके लॉकडाउन। सिंध ने सबसे ज्यादा लॉकडाउन कर दिया। अब जो सिचुएशन है क्योंकि वो जो जब एक दफा लॉकडाउन कर दिया उसको जब खोलने में एक टाइम लैग है, अब टाइम लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन शुरू हो।